अभी पूरे देश के साथ साथ विश्व के अंदर अभी कोरोना महामारी का खतरा मंडराता हुआ नजर आया है। लेकिन वहीं अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप के अंदर पिछले हफ्ते की तुलना में लगभग लगभग 55% ज्यादा केस इस हफ्ते देखने को मिले हैं। और यह आंकड़ा करोड़ों में है, यह आंकड़ा कोई हजारों लाखों में नहीं, यह आंकड़ा करोड़ों तक का पहुंच चुका है। और इसी के चलते हुए आप सभी को बता दूं कि चीन अमेरिका भी इसकी चपेट में आए हुए हैं, जबकि ये वायरस चीन से ही निकला था और अभी यह वायरस यहां पर ज्यादा फैलता हुआ नजर आया है। लेकिन इसी बीच अगर हम भारत की बात करें तो भारत के अंदर अभी मामले स्थिर बने हुए हैं और जो रोजाना के मामले हैं उससे ही मामले अब रोजाना सामने आते हुए नजर आए हैं। लेकिन अभी दीपावली का पर्व गया था और दीपावली के पर्व पर सभी एक दूसरे से मिलते हुए नजर आए थे, गले लगते हुए नजर आए थे और एक ही जगह पर तमाम प्रकार की भीड़ देखने को मिली थी। ऐसे में अब भारत में भी इस कोरोना का खतरा एक बार फिर से मंडराता हुआ नजर आ रहा है कि कहीं एक दूसरे से मिलने और ये दीपावली का पावन पर्व मनाने के चक्कर में राजस्थान के साथ साथ पूरे भारत के अंदर क्या इस कोरोना के मामलों में वृद्धि होगी या नहीं, इसी को लेकर के दिखाते हैं आप सभी को हमारी ये तमाम रिपोर्ट कि आखिरकार अभी भारत का क्या हाल चल रहा है, यूरोप का क्या हाल चल रहा है, चीन का क्या हाल चल रहा है और अमेरिका का क्या कुछ हाल अभी इस कोरोना को लेकर के बना हुआ है। तो सीधी नजर डालते हैं हमारी इस रिपोर्ट की ओर। यूरोप में पिछले महीने में कोरोना के मामलों में 55% की बढ़ोतरी हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहा है कि फिलहाल यूरोप कोरोना का एपिसेंटर बना हुआ है। यूरोप और मध्य एशिया के 53 देश में ट्रांसमिशन रेट गंभीर चिंता का विषय है। यूरोप के साथ ही चीन, अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों के अंदर कोरोना केसेस बढ़ने से सरकारें चिंताओं में हैं। भारत में अभी फेस्टिवल सीजन चल रहा है जिसमें हजारों लोग एक जगह एक दूसरे की जगह गए, साथ ही मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे कोविड प्रोटोकॉल के पालन में भी लापरवाही बढ़ती गई। अगर इसी तरह हालात रहे तो भारत में भी कोरोना के केसेस बढ़ सकते हैं। वहीं यूरोप में कहा और किस तरह के मामले बढ़ रहे हैं, वैक्सीनेशन कितना हुआ, भारत में फिलहाल कोरोना की क्या स्थिति है और भारत में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका पर एक्सपर्ट्स का आखिरकार क्या कुछ कहना है, इन सभी के जवाब में आप सभी को बता दूं कि यूरोप में पिछले 4 हफ्तों में नए कोरोना के मामलों की रफ्तार में 55% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। एक हफ्ते में यूरोप में 1.8 करोड़ नए मामले मिले हैं जो पिछले हफ्ते के मुकाबले 6% ज़्यादा हैं। यह आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले हैं क्योंकि यूरोप की आधी से ज़्यादा आबादी पूरी तरह वैक्सीनेटेड है और कई देशों ने तो अपनी 70% से ज़्यादा आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज दे दी हैं। इटली, जर्मनी, पुर्तगाल, स्लोवेनिया, ग्रीस और फ्रांस उन देशों में शामिल हैं जहां नए केसेस की रफ्तार रिकॉर्ड तोड़ रही है। जर्मनी में 4 नवंबर को 37,000 से भी ज़्यादा नए केसेस सामने आए हैं। इससे पहले 22 दिसंबर को 36,000 केसेस मिले थे। नवंबर के शुरुआती 4 दिनों में ही 616 लोगों की मौत हो गई है और इस तरह हंगरी में पिछले एक हफ्ते के मुकाबले नए केसेस में दुगनी बढ़ोतरी दर्ज की गई। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरामैन रोहित के साथ पुलकित सक्सेना, न्यूज 19 जयपुर।